खरगोन सराफा बाजार में निर्माणाधीन मकान से सटा दो मंजिला मकान अचानक गिर गया। हालांकि जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का सारा सामान मलबा बन गया। मकान मालिक आनंदलाल पंडरी के परिजन दुर्गेश पंडरी की माने तो मलबे में घर का सामान, कंप्यूटर, 3 क्विंटल गेहूं, चावल, बर्तन, बिस्तर और कपड़े दब गए। बता दें कि आशंका रहते परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर पहले ही निकल गए थे और मकान भर भरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिसकी सूचना तहसील कार्यालय में दी गई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कैसा क्या हुआ? ये आशा इनसे काम कर रहे थे, इनके लिए खोद रहे थे, कुछ वाइब्रेटर वगैरह चलाया करा इन्होंने, उससे पूरा मकान डिसमेंटल हो गया अचानक। पहले 4 दिन पहले अपन खबर भी कर चुके थे। कोई लागू करी क्या? नहीं नहीं, बच गया पूरा परिवार, बालो बाल हो गया। एक बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ा हादसा होता। कितनी देर की बात है ये? अभी 1 घंटे पहले। क्या नाम है आपका? दुर्गेश पंडा। ने कारण क्या रहा है गिरने का? पीछे मकान बन रहा है, उससे वाइब्रेशन उधर चल रहा था, वाइब्रेटर चला रहे बीम खोदने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।